नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर बिहार एसएससी सीजीएल। बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक कौन हो सकती है, और खास करके अंतिम समय के लिए, अंतिम समय के लिए बिहार एसएससी के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। और आज का मेरा पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड है, कैसे आपको कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए, और बुक से भी इम्पोर्टेंट फ्रेंड, कैसे आपको अंतिम समय में पढ़ाई करना चाहिए और कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न आएंगे, और किस सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़कर आप अभी से रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो पूरी वीडियो कंप्लीट देखिए। वीडियो देखने से एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बीच में वीडियो छोड़कर जाएंगे, तो प्लीज अगर आपको इस वीडियो का उतना इंपोर्टेंस नहीं है तो आप यहीं से छोड़ दीजिए। मेरी एक कोशिश रहेगी 5 से 10 लोग ही इस वीडियो को देखें, लेकिन 5 से 10 लोगों के जीवन में इस वीडियो से कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर आपके पास समय है तो आप समय निकालकर देखें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी और धैर्यपूर्वक देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो आखिर प्रश्न कहां से आते हैं, तो इस आपको पता होगा कि इसमें 3 खंड होते हैं, खंड का में आपको क्या आता है फ्रेंड, तो सामान्य अध्ययन यहां पे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार, करेंट, बिहार का जीके, ये सारे चीजें, विदेशी जो राज्य, विदेशी जो देश है उनके इतिहास, इतना बड़ा टॉपिक आपको केवल 50 नंबर देता है। उसके बाद खंड खा में आपका आ जाता है साइंस और आपका मैथ्स। उसके बाद खंड गा में आ जाता है, वो आ जाता है आपका रीजनिंग। तो सबसे पहले अगर देखें फ्रेंड, खंड का के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो खंड का में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा बिहार स्पेशल, पूछा जाएगा आपका करेंट अफेयर, और आपका पूछा जाएगा हिस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ कि अभी क्योंकि बहुत कम समय है और वो मोटी मोटी जीके के बुक के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपकी गलती करना है फ्रेंड, गलती जो आप कर रहे हैं ये कर रहे हैं कि आप बहुत मोटी मोटी बुक के पीछे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं वो आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 50 नंबर में अगर आप खंड का को अच्छे तरीके से देखेंगे तो बिहार स्पेशल से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएगा, उसके साथ ही आपका करेंट अफेयर कम से कम 10 से 12 नंबर, 15 नंबर तक आपका करेंट अफेयर हो जाएगा, तो 15-5 हो जाएगा 20। उसके साथ ही अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट कर देते हैं तो हिस्ट्री आप पूरा, मैं देख रहा हूं कि मैं पूरा हिस्ट्री पे आप जितना फोकस कर रहे हैं उससे अच्छा आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री पूरे हिस्ट्री का कम से कम 70 से 60% मार्क्स आएगा, और यहां से कम से कम 8 नंबर, तो आप मान के चल सकते हैं 28 नंबर, तो 28 नंबर आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके साथ ही आपको बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, और इसके साथ ही आपका जो इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा वो क्या रोल निभाएगा, तो आपका ज्योग्राफी निभाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जहां से आप ऑलमोस्ट 30 नंबर 32 नंबर तक आप यहां से आराम से स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होगा उसके लिए आप वन लाइनर बुक भी, कोई भी बुक पढ़ करके आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुझे गलती लगती है स्टूडेंट का, वो मेरा पर्सनल व्यू है कि आप मोटी मोटी किताबों की ओर ना बढ़ें, और देखिए कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके लिए मैं अगर बुक बताऊं फ्रेंड, तो जीके के लिए मैं 2 बुक को फॉलो करता हूं। पहले मैं लूसेंट को फॉलो करता था और अभी मैं क्रोन को फॉलो करता हूं। लूसेंट को मैंने बहुत दिनों से मैं पढ़ रहा था, बचपन से मैं लूसेंट ही पढ़ते आया हूँ, लेकिन मैं अभी वर्तमान में क्रोन की ओर स्विच किया हूँ। तो देखिए, अब बहुत से लोगों को ये सवाल उठेगा कि मैं क्रोन पढ़ूं या लूसेंट पढ़ूं, तो अगर आप लूसेंट में कंफर्टेबल हैं तो आप लूसेंट पढ़िए, बहुत दिनों से आ रही है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई अगर बुक को बार बार पढ़ रहे हैं तो वो उनके जीवन में दैनिक हिस्सा बन जाता है और उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो बहुत से लोगों के लिए लूसेंट आसान होगा और बहुत से लोगों के लिए क्रोन आसान होगा। अगर आप स्टार्टिंग से अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको क्रोन की ओर जाना चाहिए, और क्रोन की ओर इसलिए जाना चाहिए फ्रेंड क्योंकि यहाँ पर एक कहानी का फील देता है और पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर बहुत पहले आप लूसेंट को पढ़ रहे हैं तो सेम चीज आपके लूसेंट में भी लिखा हुआ है, क्रोन में भी लिखा हुआ है। क्रोन इसलिए थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको, ये आपको एग्जाम मतलब एक टीचर का फील देता है, और चीजों को थोड़ा सा कहानी के तौर पे लिखा हुआ है। तो आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, क्रोन को भी पढ़ सकते हैं, दोनों में सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आपको क्रोन को कहां से पढ़ना है, तो क्रोन में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ऑलमोस्ट प्रश्न आ जाते हैं, और देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का ही भाग होता है। उसके साथ ही क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिहार से रिलेटेड प्राचीन भारत ही है। मध्यकालीन भारत का बिहार के एग्जाम में बहुत कम महत्व होता है, तो मध्यकालीन भारत में ऑब्जेक्टिव पढ़ के भी आप लोग काम चला सकते हैं।
तो प्राचीन भारत में आपको पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य बिहार से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म बौद्ध धर्म ये सब बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पूरा कंप्लीट करके जाना होगा और ऑलमोस्ट जो प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारत में आपको क्या करना है, तो प्राचीन भारत में वे चीज़ें जो बिहार से जुड़ी हुई है जैसे मौर्य वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बिहार से जुड़े हुए जो वंश हो गया और सब हो गया, जो शिशुनाग वंश हो गया, असुंग वंश हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिहार से जुड़ी हुई है। तो यहाँ आप लोग ये कंप्लीट करके जाएंगे। प्राचीन भारत में आपको ये करके जाना है, आधुनिक भारत में आपको आधुनिक भारत पूरा अच्छे से इससे पढ़ के जाना है, अभी से आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड ज्योग्राफी में आपको ये नहीं करना है कि अभी से पूरा ज्योग्राफी को पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी को पढ़ना है सबसे पहले आप उसको पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम तक इम्पोर्टेंट चीज़ को ही नहीं ख़त्म कर पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप ज्योग्राफी में पहले प्रीवियस ईयर को देख लीजिए और प्रीवियस ईयर आपको कहाँ मिलेगा, तो प्रीवियस ईयर के लिए आपको टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड, टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर फ्री में दिए हुए हैं और अभी यहाँ पर आपको 145 या 146 अभी वर्तमान में टेस्ट हैं और ये जो टेस्ट हैं पटना के टीचर द्वारा सेट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको जो ये टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है वो टेक्स्ट बुक मतलब इम्प्लाई द्वारा दिया जा रहा है, ये पटना के वो टीचर हैं जो बिहार एसएससी के लिए जाने जाते हैं जैसे रहमान सर ये सब हो गया, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 13 टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए। और बिहार एसएससी के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेक्स्ट बुक को, बहुत ही शानदार टेस्ट आता है। तो वहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आपको प्रीवियस ईयर पता चल जाएगा, पीटी मेन्स सारे टेस्ट सीरीज वहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए सारा टेस्ट सीरीज और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में और बहुत ही चीप प्राइस में दिया हुआ है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, बाय भी कर सकते हैं अन्यथा आप नहीं भी बाय कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है, लेकिन मैं यह कहूँगा फ्रेंड आप बाय कर लीजिए, आपके निश्चित तौर पर इससे आपको मार्केट में ढूंढना नहीं पड़ेगा ये टेस्ट सीरीज ले लें या वो टेस्ट सीरीज ले लें, एक टेस्ट सीरीज से आपका काम चल जाएगा। और नीचे मैं आपको कोड भी एक दे दूंगा BPS, यहाँ इस कोड को आप यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा 50 से 60 रुपया, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको इसी कोड से मिलेगा। और किसी को अगर टेस्ट सीरीज में पैसे की दिक्कत होती है तो वो भी कमेंट करें। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप लोग सिलेक्टेड टॉपिक ज्योग्राफी का आपको पढ़ना है। उसके साथ ही फ्रेंड आपको क्या हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके साथ ही आपका आ जाता है अगला जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो करेंट अफेयर आ जाता है। और मुख्य रूप से करेंट अफेयर ही आपके रिजल्ट को बनाएगा, क्योंकि आप मोटी मोटी बुक के पीछे और मतलब पॉलिटी ये सब के पीछे आप समय देंगे, वहाँ से 1-2 प्रश्न आएगा, इकोनॉमिक्स से 1-2 प्रश्न आएगा, उससे अच्छा है आप करेंट अफेयर को कवर करें। करेंट अफेयर से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और करेंट अफेयर के लिए आप इडुटेरिया के वाली करेंट अफेयर बुक ले सकते हैं, इडुटेरिया का आपको लेना है और साथ में आपको स्पीडी का भी बुक लेना है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे फॉलो करना है। इडुटेरिया का आपको फ्रेंड यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी इसका बहुत ही शानदार है और थ्योरी मैं इसलिए प्रिफेयर कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि ये जो करेंट अफेयर तैयार किया गया है वो मुख्य रूप से BPSC के लिए तैयार किया गया है और इसमें बिहार के भी आपको करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपका जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव नहीं, ये जो आपका थ्योरी वाला दिया हुआ भाग ऐसे करके ये वाला आपको यहाँ से करके जाना है ये वाले बुक से, और आपको जो ऑब्जेक्टिव करना है वो ऑब्जेक्टिव करना है आपका स्पीडी से। यहाँ पे 700 से 800 प्रश्न आपको स्पीडी में देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और आपको एग्जाम में एज इट इज ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को बुक बताया ये बुक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है फ्रेंड, जैसे मैंने पढ़ा है अगर आप देख सकते हैं, मैंने इस बुक का मैक्सिमम जितना यूज हो सकता है मैंने इस बुक का यूज़ किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक चीज़ को पढ़ूँ और जितना ज़्यादा बार हो सके मैं उस चीज़ को पढ़ने का ट्राई करता हूँ। और ख़ास करके जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि पढ़ के आपको आगे बढ़ जाना है, अगले दिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके उस चीज़ का रिवाइज कर लें। इससे ये बेनिफिट होगा फ्रेंड कि आपको पढ़ा हुआ चीज़ आपको याद रहेगा, और ऐसा भी होता है कई बार कि आप पूरा बुक को पढ़ लेते हैं और आपका पूरा बुक से ही प्रश्न आ जाएगा और आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे जो आप चीज़ पढ़ें उसका आप लोग रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा बिहार स्पेशल आ जाता है और बिहार स्पेशल के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो इम्तियाज़ अहमद की ऑब्जेक्टिव आती है, इससे अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में। बहुत तरह के अभी बिहार स्पेशल के बुक पब्लिश किए जाते हैं लेकिन इम्तियाज़ अहमद की जो बुक है फ्रेंड यहाँ से एज इट इज़ ऑप्शन भी नहीं चेंज रहेगा, आपको प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपको जाना है इतिहास पे फोकस करना है और ज्योग्राफी पे फोकस करना है। इतिहास में आपको प्राचीन भारत के इतिहास यहाँ से पढ़ के जाना है और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं प्राचीन भारत से, और आपको पढ़ के जाना है आधुनिक भारत का इतिहास, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत कम दिन में आप इस बुक को कवर कर सकते हैं। तो मध्यकालीन आप लोग स्किप कर दीजिएगा,
उसके साथ ही आपको ज्योग्राफी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी में आपको सामान्य चीज़ें पढ़ना है बिहार के, जैसे आपको जनगणना से, बिहार के जनगणना से ही ऑलमोस्ट एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग है बिहार स्पेशल में। तो आप लोग बिहार का जनगणना करके जाएंगे, फिर इसमें जनगणना में क्या आ जाता है तो कौन सा किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा झील है, यही सब मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो ये आप लोग ज्योग्राफी में कवर कर लीजिएगा। तो ये इम्तियाज़ अहमद की हो गई। तो ऑलमोस्ट हमने साइंस 50 नंबर का जो था उसमें हमने कवर कर लिया। अब आता है कि हमने ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीज तो कवर कर लिया, इसके साथ ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीजों को कहां से पढ़ें। तो इसके लिए फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं कि वन लाइनर कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ESPD की ये बुक आती है और अगर आपने प्रीवियस ईयर बिहार SSC का देखा होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट SPD से प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग के लिए SPD बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और 2 से 3 पेज अपने डेली लाइफ में शामिल कीजिए। यहाँ से ये होगा फ्रेंड, पहली तो आपका निगेटिव कम होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और मेरा ही एक फ्रेंड था जो BPSC में उसका रैंक जो था वो मतलब हालांकि फाइनल सिलेक्शन में वो बाहर हो गया, लेकिन BPSC का स्टूडेंट से क्या गलती होता है कि बिहार में बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वो बड़े बड़े क्वेश्चन का तैयारी कर रहा था और वो छोटे क्वेश्चन में गलत कर गया। तो आपको क्या करना है कि आपको इस बुक से आपका जो निगेटिव होगा वो आपको बचाएगा। तो SPD डेली बेसिस पे 2-3 पे फॉलो करने का कोशिश कीजिए और निश्चित तौर पर फ्रेंड आपको SPD से ही बाकी सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही बहुत से लोग घटना चक्र को पढ़ रहे होंगे या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अदर बुक को फॉलो कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर फॉलो कीजिए फ्रेंड। बुक को आपको स्विच नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर कोई बुक बता देता हूं तो आप बुक को स्विच कर जाएंगे। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में जब बुक को लिए आप स्विच करेंगे तो नया नया चीज फिर मिक्स हो जाएगा और आपका रिवीजन नहीं अच्छे से होगा और एग्जाम में जाकर के निगेटिव हो जाएगा। तो जो भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10 बुक को पढ़े, इंपॉर्टेंट यह है फ्रेंड कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें। इसलिए मैं जो भी चीज बताया हूं उस पर कोशिश कीजिए, ज्यादा पढ़ने का नहीं, जो पढ़े हैं आप उसमें से आप कोई प्रश्न ना छूटे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके साथ ही साइंस के लिए अगर मैं बात करूं तो साइंस के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक आती है। साइंस आप क्राउन से भी पढ़ सकते हैं, क्राउन का साइंस बहुत ही शानदार है, रिवीजन करने के लिए बहुत कम दिनों में आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत मेरे अनुसार से इनफ है अगर आप रिवीजन करना चाहें तो यहां से। उसके साथ ही आप लोग एक NCERT का बुक ले लीजिएगा, क्योंकि आप इस एग्जाम में बुक भी लेकर के जा सकते हैं। तो आप लोग NCERT का बुक लीजिएगा और उसको कैसे पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं और मान लीजिए आप प्रकाश पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश में आप NCERT का बुक वहां पे डायरेक्ट ले जाइएगा तो आपको ढूंढने में ही सारा समय चला जाएगा। तो नहीं, आप यहां पर पढ़िए और साथ में एक NCERT बुक को रखिए और वहां पे देखिए कि ये जो इंपॉर्टेंट वाला चीज़ लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ, तो उसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है। तो आपको NCERT को इसलिए तैयार करना है, पहले नंबर की NCERT से डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरी नंबर कि आपको साइंस का एक बुक एग्जाम में ले जाने की कोशिश करना है और वहां पे एग्जाम में जब बिना पढ़े हुए आप ले जाएंगे आपको यही नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन कहां पे लिखा हुआ है। सॉरी फ्रेंड, तो आपको क्या करना है कि आपको इस बुक के पढ़ने के साथ आपको NCERT रखना है और NCERT में ये देखना है कि वो चीज़ कहाँ पे मेंशन है ताकि आप उसका एग्जाम यूज करें। साथ में फ्रेंड अगर आपने प्रीवियस ईयर को देखा होगा तो प्रीवियस ईयर में साइंस बहुत टफ नहीं पूछे गए थे और साइंस से एक तरह से कहा जाए तो SPD से भी बहुत अच्छे थे। तो SPD में आपको क्या करना है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2-3-4 दिन में आप लोग रिविजन कर सकते हैं, चाहे तो आप कोई स्टूडेंट एक दिन में भी कर लेगा। तो इसमें देखिए पीछे एक सेट आता है, तो पीछे वाला जो टेस्ट सीरीज ऐसे करके आता है तो इसको आप लोग रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि SPD में कई ऐसे प्रश्न होते हैं, SPD में मतलब कोई कोई ऐसा प्रश्न होता है कि आप कितना भी मोटा बुक पढ़ ले वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ SPD में ही मिलेगा और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग का बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे जो वन लाइनर है और वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो सेट दिया हुआ है इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा और मेरे अनुसार से आपका जो टाइम होना चाहिए वो मुख्य रूप से आपका साइंस पे जाना चाहिए। GK पे आप लोग कम ध्यान दीजिए, साइंस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग का 25 नंबर यहाँ से आने वाला है और ये जो आपका स्कोर है वो इस आपके स्कोर को पुश कर सकता है और आपका रिजल्ट बना सकता है, क्योंकि आप यहां से 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। अब GK कितना भी पढ़ लीजिए, इतना मोटा मोटा भी बुक पढ़ लीजिएगा, फिर भी आप लोग 50 में से मुश्किल से आप 35 से 40 स्कोर नहीं कर पाइएगा, 40 बहुत इनफ हो जाता है चाहे आप किसी भी तरह से कर लें। लेकिन अगर आप साइंस को अच्छा करते हैं तो साइंस में आप फुल स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स की अगर बात करें फ्रेंड तो मैथ में इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, इम्तियाज़ अहमद में कोशिश कीजिए कि 20-30 चैप्टर है, एक दिन में अगर आपका मैथ सही है तो एक दिन में आप एक चैप्टर को आराम से कवर कर सकते हैं। एक चैप्टर में मुश्किल से
100 प्रश्न होते हैं मैथ्स के, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। एक चैप्टर वहाँ से करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका मैथ बहुत सही है और अगर आप इम्तियाज़ अहमद नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए एक और बुक आती है रेलवे गणित करके, यहाँ पर से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर प्रीवियस ईयर देख करके कवर कीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में रेलवे जैसा मैथ नहीं पूछा जाता है कि सारा टॉपिक ही पूछा जा रहा है, नहीं, उसमें एक सिलेक्टेड टॉपिक पूछा जाता है, जैसे लाभ हानि, परसेंटेज, बटा, नल समय, यही सब क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग टेस्ट बुक ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट बुक पर आपको प्रीवियस ईयर भी मिल जाएगा और उसी से रिलेटेड टेस्ट भी मिल जाएगा, तो इसलिए टेस्ट बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों जो पिछले बार हुआ एग्जाम उसका आप लोग टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है ही। और बहुत सस्ता है फ्रेंड, जितना में आप एक महीने का जियो का रिचार्ज करवाते हैं उतना में आप लोग एक साल तक टेस्ट बुक पे किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग यहां से कर लीजिएगा, अगर आप वहां से नहीं कर सकते हैं तो आपका ये हो गया 100 नंबर का। बाकी जो रीजनिंग के लिए आता है, रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और सबसे जो अभी इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी गलती हो रहा है लोगों से, वो ये हो रहा है कि लोग हैं वो समय दे रहे हैं जीके की ओर, समय दे रहे हैं हिस्ट्री, मतलब वहाँ पे ज़्यादा समय दे रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरा रीजनिंग तो है वो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा रीजनिंग तो मतलब सब का सब सही हो जाता है। तो दिक्कत यही है फ्रेंड, आप जो हैं वो 2 नंबर 4 नंबर के लिए पूरा बुक पढ़ रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आप मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन का सेट भी है अगर आप रीजनिंग के लिए नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि रीजनिंग में जहाँ पर आपका 50 में से आप 45 स्कोर कर सकते थे, वहाँ पर अगर आपका आइंदा 38 भी स्कोर होता है तो 7 नंबर का आपका नुकसान होता है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड, सबसे जो आपका जीवन में इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है वह ये रोल निभाने वाला है कि आप रीजनिंग को हल्के मत लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं चीज़ प्रैक्टिस करने से आपका एग्जाम में जा करके ध्यान में आएगा, अरे यार ये मेरा पढ़ा हुआ था पता नहीं कैसे बन रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये चीज़ नहीं आपका होना चाहिए। रीजनिंग का डेली बेसिस पे सेट ले लीजिए, प्लेटफॉर्म का भी सेट आता है, कहीं से भी कैसे भी प्रैक्टिस कर सके। टेस्ट बुक पे भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज है रीजनिंग का, स्पेशली रूप से रीजनिंग का टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। कैसे भी करके रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर कोई रीजनिंग का टॉपिक नहीं बनता है तो उस टॉपिक को जैसे भी हो सके आप बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक करने का कोशिश कीजिए फ्रेंड, क्योंकि रीजनिंग आपके पूरे एग्जाम का 1/3 अकेले भूमिका निभाने वाला है और ये जो है वो 100% स्कोरिंग एरिया है। तो अगर आपका यहाँ से 5 नंबर भी कम हो जाता है तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे 100% स्कोर करेंगे और आप करिएगा 5 नंबर कम, तो समझ सकते हैं आप ऐसे ही भीड़ से पीछे हो जाइएगा। तो हमेशा भीड़ से आगे रहने की कोशिश करना है और बार वहाँ पर करना है जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर पूछा जा रहा है। और मेरा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन सारे चीज़ों को कवर कर लेते हैं फिर आप कहीं स्विच कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का। एक चीज़ को पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि आपको उसको दोबारा नहीं पढ़ना है, आपको जब तक लगे कि मैं उस चीज़ को भूल जाऊँगा तब तक उस चीज़ को पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ चीज़ ही लोग नहीं बना पाता है। ऐसा नहीं कि कोई लूसेंट को पढ़ा नहीं, लूसेंट सबको ही पढ़ा है और प्रश्न लूसेंट से ही आते हैं फिर भी लोग नहीं बना पाते हैं। इसका कारण यह है फ्रेंड कि उसको ये वो चीज़ें याद नहीं है, और याद इसलिए नहीं है क्योंकि उसने उस चीज़ का रिवीजन नहीं किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने पर फोकस कीजिए। टेस्ट सीरीज आपके जीवन का एक अहम हिस्सा होना चाहिए, डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज लगाइए फ्रेंड। और टेस्ट सीरीज के लिए ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप लोग ज्वाइन कीजिएगा तो एक बार ज्वाइन कीजिए और सारे एग्जाम का आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, दरोगा, बीपीएससी किसी का भी टेस्ट सीरीज लगाइए और बहुत ही चीप प्राइस में लगा सकते हैं। मात्र मैं कहूँ तो 200-300 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, 350 रुपये के अराउंड आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो जाइए बाय कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बहुत से टेस्ट सीरीज आपको फ्री में भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बहुत से लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का, आपका हमारा सपोर्ट ही इस नए वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपके कोई भाई बंधु हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।